वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो इन प्रीवियस लेक्चर वी कैन लर्न अबाउट द टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन. ओके, सो इन दोनों लॉज के अंदर व्हाट वी लर्न. फर्स्ट लॉ के अंदर हमने क्या सीखा बच्चों, कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो सेम रहता है. और वो लॉ क्या है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. दैट इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय. और सेकंड लॉ में क्या हमने सीखा, व्हाट वी लर्न इन सेकंड लॉ, कि एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो कंबाइन होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन होते हैं. ओके, वो एग्जांपल भी हमने एग्जांपल के थ्रू वी लर्न यस्टरडे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर. सो अब टुडे वी आर लर्निंग द डाल्टन एटॉमिक थियरी. ये बच्चों 11th 12th में भी आपको आने वाला है. ये डाल्टन कौन है? साइंटिस्ट है. डाल्टन कौन है बच्चों? साइंटिस्ट है. ओके, डाल्टन एटॉमिक थियरी बहुत इजी है. आज का जो है लेक्चर हमारा वो एंड तक देखिएगा, दो बार जरूर देखिएगा, तभी आपको वो माइंड में मेमोराइज होगा, वरना आपको रट्टा मारना पड़ेगा. बेसिक है. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम. यानी कि जो मेटल हमको मालूम है कि ह्यूमन बींग्स है, जो लिविंग्स है, उसका जो है वो कौन है, मेन बेस कौन है, सेल है. वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं, राइट? तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, यानी कि मैटर जो है वो वेरी टाइनी पार्टिकल्स से बने होके एक बड़ा मैटर बनता है. हम चॉक लेते हैं तो हम अगर उसको क्रश करते हैं वो तो वेरी टाइनी पार्टिकल्स उसमें से सेपरेट हो जाते हैं. ओके, एंड कॉल एटम, यानी कि जो वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एटम बोलते हैं. किसको? टाइनी पार्टिकल को. ओके, वो टाइनी पार्टिकल इकट्ठा होके क्या बनाता है बच्चों, मैटर. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल एटम, और एटम कंबाइन होके बनाता है मॉलिक्यूल. वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एटम कंबाइन होकर क्या बनाता है बच्चों, मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल. व्हाट इज मीन बाय इंडिविजिबल बच्चों, व्हाट इज मीन बाय इंडिविजिबल, यानी कि एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी कि एटम्स को और हम टाइनी पार्टिकल्स के अंदर उसको सेपरेट नहीं कर सकते. जो लास्ट है वो एटम है. ऐसा किसने बोला था? डाल्टन ने बोला था. लेकिन अभी इसी वक्त ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि एटम्स के अंदर भी कुछ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज है एटम के अंदर. लेकिन उस टाइम पे इतना सारा डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल. एटम को वो इंडिविजिबल है, उसको और सेपरेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. यानी कि एटम को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन के अंदर, और जनरेट भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते. वो जैसा है वैसा ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा बच्चों, CO2. आप यहाँ पे देखेंगे एक कार्बन, दो ऑक्सीजन. ओके, तो ये क्रिएट भी नहीं कर सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, सेम टू सेम रहते हैं बच्चों. क्लियर? नाउ एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी कि बच्चों एक ही टाइप के अगर जो एटम होगा, सेम टाइप ऑफ एटम है, सेम टाइप्स ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक सेम एटॉमिक मास और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. चलो देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ देंगे तभी आपको पता चलेगा. मान लो कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12. ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास 6, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16. नाइट्रोजन है, सॉरी यहाँ पे कार्बन है
और यहाँ पे लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का वाला लेते हैं CO2, यहाँ पे भी 6 होगा इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 12 होगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, जो मार्बल होता है उसमें जो कार्बन है उसका भी एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होगा, यानी कि सेम टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, उसके एटॉमिक मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, पता चला। और यहाँ पे वेरी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, वी नो डैट, वेरी सिंपल है। मान लो कार्बन के हमने अभी बताया एटॉमिक नंबर 6 12, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एटॉमिक मास 16, ओके नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एटॉमिक मास 14, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट डिफरेंट मास, आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट मास एंड डिफरेंट एटॉमिक प्रॉपर्टी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन जो है वो तो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है वो तो बच्चों कंबशनिस्ट है, यानी कि वो आग ज़्यादा लगाने में हेल्प करता है, और जो नाइट्रोजन है बच्चों वो तो हमको मालूम है, वो जो लिक्विड नाइट्रोजन वो क्या बहुत ही चिल होता है, उसका टेम्परेचर हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर, -196 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट बात बताई हुई है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, ये क्या बता रहे हैं कि एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर, यानी कि बच्चों वॉल नंबर यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मान लो हमने H2O को कंबाइन किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2:16, उसको और फर्दर डिवाइड करें तो 1:8 आता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें NH3 हम पढ़ चुके हैं, तो नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा 14 और हाइड्रोजन का 3, क्यों 3 हाइड्रोजन है, तो बच्चों ये वॉल नंबर में आता है, किस में आता है वॉल नंबर, सिंपल वॉल नंबर, यानी कि पूरा नंबर है, ऐसा नहीं होता कि 1.5:2:2.5, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, इट इज ऑलवेज फिक्स वॉल नंबर और वो फिक्स प्रपोजन में ही वो अटैच होते हैं एटम, ओके। तो ये सिंगल सिंगल लाइन एग्जांपल जो डाल्टन ने दिए हुए है थियरी में, तो वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर एक बार में नहीं समझ आया सेकंड बार आप देखिए तभी आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड, ये क्या है बच्चों लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोजन, कि जो रिलेटिव मास जो वो अपने मास से कॉन्स्टेंट प्रपोजन में ही अटैच होते हैं, अभी हमने बताया कि H2O है वो फिक्स मास में ही, फिक्स नंबर ऑफ मास में ही वो 1:8 में, वो फिक्स प्रपोजन में ही वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, अटैच होते हैं, लाइक NH3 है तो 14:3, ओके। तो यहाँ पे अब दो एग्जांपल हमने देखा है, तो ये सारा का सारा हम पढ़ ही चुके हैं, वही हमने यहाँ पे दिया हुआ है, वेरी इजीएस्ट वे, इससे इजी और इतना एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, क्यों आप देख सकते हो और भी कहीं पे भी, एक एक लाइन को वेरी इन डीप वी आर लर्निंग हियर। सो फर्स्ट इज द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे होते हैं कॉल एटम, उसको क्या बोलते हैं एटम, एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी कि उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ऐसा किसने बोला डाल्टन ने। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल मास ऑफ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उसके मतलब कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट हो, एलिमेंट सेम है दैट मीन्स उसका एटॉमिक मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहनी चाहिए, सेम ही होती है। नेक्स्ट, कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो
carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, different different element we have. Then we have different different atomic mass, we have different different chemical properties. Very simple. Atom combined in a fixed ratio by mass. ओके okay, और वो वॉल नंबर यानी कि वो 1.5 2.5 ऐसे नहीं बनते, ऐसा नहीं होता. एक वॉल नंबर 2:16, 1:8, 14:3 और लास्ट पॉइंट है कि एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड. आप देख सकते हो यहाँ पे वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है. ओके सो हियर द डाल्टन एटॉमिक थियरी एग्जांपल के थ्रू पढ़ा है, तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. और उसके बाद हम नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठिए. जब भी हमारा लेक्चर हो तो अपना टेक्स्ट बुक ओपन रखें ताकि आपको पता चले कि वी आर गोइंग इन विच डिरेक्शन. ओके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो. चलो फिर जो नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा. चलो हवे जे आ इंटेक्स क्वेश्चन छे मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जुओ, मतलब बताने मास आपेला छे केटला केटला ग्राम मा छे आ ग्राम मा छे. चलो तो हम जोईए इंटेक्स क्वेश्चन. तो एमा पहेलो आपे फर्स्ट दिया हुआ है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. खास ध्यान रखिएगा ये एग्जांपल 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. फाइव पॉइंट थ्री ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. और आप देखेंगे तो वो प्रोडक्ट मेजर देता है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम 0.9 ऑफ वाटर, ग्राम ऑफ वाटर एंड बच्चों लास्ट में दिया हुआ है 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. तो आप यहां से पता लगा सकते हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों कंबाइन होकर ये प्रोडक्ट देते हैं. यानी कि बच्चों ये कौन से हैं रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट. लेट्स सी तुम देखते कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं. चलो सोडियम कार्बोनेट पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं. सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. पहले इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट सॉरी 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइड है. सोडियम इथेनोइड ओके सोडियम इथेनोइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके बच्चों लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूला है Na2CO3. ये भी आपको ऐसा दिमाग में नहीं लाना है कि हाउ कैन दिस पॉसिबल Na2CO3. तो ये तीन या चार लेक्चर के बाद यही आने वाला है कि हाउ टू फॉर्म द फॉर्मूला, हाउ टू जनरेट फॉर्मूला. ओके इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH है, उसको आप एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो. एसिटिक एसिड सोडियम इथेनोइड. चलो सोडियम इथेनोइड का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो CH3COONa प्लस वाटर यानी कि H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन नहीं है. क्यों आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम का एक है, यहाँ पे सोडियम का दो है.
तो अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है देन वी कैन राइट हियर टू मल्टीप्लाई विथ टू। ओके नाउ तो ये सी एच थ्री सी डबल ओ भी दो हो गए, सी एच थ्री सी डबल ओ एक ही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वी कैन मल्टीप्लाई विथ टू। अब आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और दो है हाइड्रोजन और ये सी ओ थ्री है बच्चों, वो सी ओ थ्री माइनस टू है, भी आपको पता चलेगा दो या तीन लेक्चर के बाद, तो सी ओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा और एक ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ये एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन तो बनाते हैं एच टू ओ और ये हुआ गया हमारा सी ओ टू, हो गया ना रिएक्शन। एक बार में समझ नहीं आया तो तीन बार देखिए, कंपल्सरी देखिए, तभी आपको दिमाग में पता चलेगा कि वी आर गोइंग टू विच डिरेक्शन। ओके चलो नाउ वी कैन सी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन सा कितना कितना मास दिया हुआ है। ये हुआ हमारा रिएक्टेंट, ये हुआ हमारा प्रोडक्ट। ओके जो रिएक्टेंट में आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट कितना है 5.3 ग्राम, ये है हमारा 6 ग्राम, ये है 8.2 ग्राम, ये है 0.9 ग्राम, ये है 2.2 ग्राम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम मास ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट और इसका सम करते हैं प्लस करते हैं 5.3 प्लस 6 8.2 प्लस 0.9 प्लस 2.2। नाउ 5.3 प्लस 6 इट मींस हमको प्लस करना ऐड करना है, तो 6 प्लस 5 11.3 ग्राम। हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बच्चों 11.3 ग्राम एंड मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 8.2। अब कर लेना अगर ऐसा हो लगता हो कि ये मेरे को नहीं ठीक लग रहा है देन यू कैन एड लाइक दिस 9 प्लस 2 10 11 प्लस 2 13 10 और प्लस 1 11.3। आप देख सकते हो यहाँ पे कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बच्चों सेम है, कैसा है सेम है। सो वी कैन राइट हियर इट इज़ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, वही है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और वी कैन नॉट जनरेट क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट से। चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म अ वाटर, यानी कि वाटर के अंदर क्वेश्चन में रेशियो है 1:8 बच्चों। ओके सो अगर हमारे पास 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो उससे कितने ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना है बच्चों 1:8, यानी कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देन इफ वी हैव 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन कंबाइन हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके तो बहुत ही सिंपल है कि आप यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप ले सकते हो। सो 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि बच्चों 8 ग्राम मल्टीप्लाई 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, तो 1 ग्राम तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, देख सकते हो 8 3 जा
24 ग्राम। तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको बच्चों 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नीड, 24 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा बच्चों को, क्या मिलेगा 24 ग्राम ऑक्सीजन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। चलो बच्चों अभी ये हमारा ख़त्म हो गया है, इसके बाद जो 2 या 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके ऊपर फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों, बहुत ईजी है, जरा भी टेंशन नहीं लेने का। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच द पॉस्टुलेट द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इन द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पॉस्टुलेट क्या है जो डाल्टन ने दिया हुआ था, दैट इज मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, दैट पॉस्टुलेट गिवन बाय डाल्टन। ओके, हम ये 3 या 4 बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड, कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड यानी कि बच्चों ये कॉन्स्टेंट होता है, लाइक H2O के अंदर है तो 1:8। सेम एग्जांपल अभी आगे भी देख चुके हैं 14:3। ओके, तो यहाँ पे हमारा बच्चों इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म होता है। ओके, और जो डेली हम 3 क्वेश्चन जो देते हैं लिखने के लिए उसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं, तो वो क्वेश्चन रहेगा आपका बहुत ईजी है। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिस्टिलेशन मेथड और सेपरेशन टेक्निक। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा कि ये तो आप पहले भी लिख चुके हो लेकिन अब फिर से लिखना है आपको। ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो लास्ट टाइम लिखा था आपने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, एंड थर्ड जो है बच्चों वो अभी आपने लिखा होगा, ये इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, वो है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ये तीनों क्वेश्चन हैं जो आपको राइट करने हैं और PDF बना के भेजने हैं बच्चों। सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।